जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे बहुत से कॉलर्स ने रिक्वेस्ट की सैफुल मुलुक के लिए सैफ मलुक के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जी कि मैं सैफ मलुक के इंशाल्लाह चंद अशार। चंद अशआर सुनाता हूँ। जी सना इलाही जिस दाना चतारण वाला हर मैदान रहमत दा दरिया बन जाए मेरा अदल करे ते थर थर कंपने उचियां शाना वाले फजल करे जिबरील जाए जिस ते चाकर नबियां दा सर करदा खश खश जिन्ना कदर ना मेरा मेरे साहिब मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साया चंगिया दे बुरियां नाल जिने की करिए पुठी चाल वो चल दे बुरियां नाल जिने की करिए पुठी चाल वो चल दे मुर्शिद दे दबारे उत्ते मुहकम लाइए चौकां नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमी क्या बात है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जी बहुत खूबसूरत अंदाज़। वही जो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि हमारे पास
सैफ मलूक और कलाम बाहू पढ़ने वाले बहुत सारे लोग आए हैं जी जी, और हर किसी का अपना अंदाज है। हाँ यकीनन यकीनन, माशाल्लाह जो आपने जो क्या बात है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अंदाज कॉलर जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब से बात करनी थी, मैं हाफिज अदील बात कर रहा हूँ लंदन से। जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं हाफिज साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, आपकी दुआएं, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, बड़ी मेहरबानी, जजाक अल्लाह। एक नात की रिक्वेस्ट करनी थी शाह साहब। जी फरमाइए। लम याती नज़ीरु कफी नज़र। जी आला हजरत का कलाम है, इंशाल्लाह मैं जरूर आप सुनाऊंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया जी बहुत, और सिकंदर भाई को भी बहुत बहुत सलाम। आपको भी सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट मैं भी कर दूँ, क्योंकि फिर बहुत सारी रिक्वेस्ट जब हो जाएंगी तो फिर मिक्स हो जाएगी उसमें, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी नंबर जो है वो लिस्ट में अपना लिखा दूँ। आज सिख मित्रा दी वधेरी है, जरूर, तो वो मतलब है कि जब भी आप जी इंशाल्लाह समझें तो जरूर जरूर जरूर। जी सिकंदर भाई, एक आपसे भी कुछ। मेरे जहन में बहुत सारी फहरिस्त आ रही है नातों की, मैं इनके बहुत इनके समझने को मुश्किल है इनके इंतखाब करना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मनकूत जी, जो भी आपका आपकी खुशी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मनकूत पेश करता हूं। जी बिल्कुल ठीक। इकराम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद राह खुदा में शौक से सर को कटा गए राह खुदा में शौक से सर को कटा गए हुसैन हक़ रज़ा के वास्ते घर को लुटा गए हुसैन हक का आलमी लिए उठे छा गए कायनात पर हक का आलमी दुश्मनों का सर नीचे झुका गए हुसैन दीन के दुश्मनों का सर नीचे झुका गए हुसैन दे दिया सर मगर इन हाथ दस्ते यजीद में दिया दे दिया सर मगर इन हाथ दस्ते यजीद में दिया इस तरह दर से हुर हमको पढ़ा गए हुसैन इस तरह दर से हुर्रियत हमको पढ़ा गए हुसैन इब्ने अली नहीं
مرتبہ پا گئے حسین جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین راہ خدا سے سر کو کٹا گئے حسین حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین. کیا بات جی قبلہ آپ کی طرف. میں چاہتا ہوں کہ اپنے والد گرامی حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا کلام آپ کو سناؤں جو الحمدللہ انہوں نے قرآن کی روشنی میں لکھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی. میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انسان تو بیان نہیں کر سکتا, بے شک جس کی تعریف اللہ نے کی ہو. تو بہرحال جو انہوں نے کلام لکھا اس کے چند اشعار جی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ایک کالر ہے شاید ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہلو ہلو وعلیکم السلام. جی جی جناب کون بول رہے ہیں؟ جی میں محمد سعید بول رہا ہوں راچڑی سے. ہاں جی شاہ صاحب نا ذرا گل کرنی سے اپنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. ہاں جی میں سعید عرض کر رہا ہوں راچڑی سے. جی جناب جناب بڑی مہربانی ہوگی اگر تسی ایک کلام تھوڑا جہا تو میں آپ کو اپنے والد گرامی کا لکھا ہوا کلام سناتا ہوں. پڑھے قصیدے خدا نے تیرے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد. پڑھے ہیں قصیدے خدا نے تیرے پڑھے قصیدے خدا نے تیرے فرشتوں نے گائے ترانے تیرے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی فرشتوں نے گائے ترانے تیرے یہ اقصا یہ سترا وہ عرش بری سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الاقصى یہ اقصا یہ سدرا وہ عرش بری تو اونچا ہے اونچے ٹھکانے تیرے تو اونچا ہے اونچے ٹھکانے تیرے قبیلوں میں اونچا قبیلہ تیرا قبیلوں میں اونچا
कबीला तेरा।